हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ ये बच्चों के लिए नाइट सूट, जो 3 से 4 साल तक के बच्चों के लिए मैंने मंगवाया था और ये काफ़ी अच्छा था। मैंने मीशो से ऑर्डर किया था जो कि मुझे अराउंड 200 अंडर 200 के करीब पड़ा था। और आप देख सकते हैं इसकी पैकिंग इन्होंने कैसे करी हुई है। और इसमें ये आप देख सकते हैं, ये कॉटन का फैब्रिक है, ये प्योर कॉटन है। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मतलब बच्चे पहन के काफ़ी इसको कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ये ट्राई करा खुद और उसके बाद ही मैंने ये वीडियो बनाई है। आप देख सकते हैं इसका फैब्रिक, बट इसमें ये आप सोच रहे होंगे कि ये स्ट्रेचेबल है, तो स्ट्रेचेबल वाला फैब्रिक नहीं है, ये प्योर कॉटन है और काफ़ी खूबसूरत है। डिज़ाइन वाइज भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और आप देख सकते हैं ये इसका टॉप है, ये इसकी शर्ट है, देख सकते हैं बटन वाली है, जो कि बच्चों को पहनाने में भी काफ़ी इजी आप इसको पहना सकते हैं। और ये देखिए इसका पैटर्न डॉटेड सर्कल वाला दिया हुआ है, 3 बटन्स इसमें अटैच करे हुए हैं और ये कॉलर वाला है। ये मैंने 3 से 4 साल तक के बच्चों के लिए मंगवाया था और ये आपको किसी भी एज ग्रुप के लिए मिल जाएगा। 4 ईयर के बच्चों तक ही ये अवेलेबल है, सो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। इसका कोड जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये इसकी बैक साइड ये देखिए फुल स्लीव है, इसका लोअर भी काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी लूज है, मतलब लूज़ क्या, आप फिटिंग वगैरह देखिए तो काफ़ी अच्छे, क्योंकि बच्चों को टाइट नहीं लगना चाहिए गर्मियों में। काफ़ी कम्फर्टेबल है, मैं बोल सकती हूँ आप इसको ले सकते हैं। इतने कम प्राइस में फैब्रिक इतना अच्छा मुझे नहीं लगता कहीं मिलेगा, सो आप इसको अपने बच्चों के लिए अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैं कोड दे दूंगी आपको। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो प्रोडक्ट बेहद खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा। ये देखिए फैब्रिक मैं आपको ये दिखा रही हूँ, कितना अच्छा फैब्रिक है इसका। और हाँ, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सो इसका ये इलास्टिक देखिए, इन्होंने भी छोटा मतलब इलास्टिक भी काफ़ी अच्छा, इलास्टिसिटी भी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को भीड़ा थोड़ा टाइट होगा या कुछ भी होगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक